वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं हूं देहरादून में और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं वर्चुअल टूर ऑफ माय होटल जहां पे मैं स्टे कर रहा हूं। तो इस होटल का नाम है आइडा देहरादून और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप देहरादून आ रहे हैं और आप इस प्रॉपर्टी को बुक करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटीज मिलेंगी और किस तरीके का होटल है और किस तरीके का रूम है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इन फ्यूचर भी इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं होटल का वर्चुअल टूर। तो ये है इस होटल का एंट्री एरिया जहाँ पर आपको एक पार्किंग देखने को मिलेगी और उसके ठीक सामने एक छोटा सा पार्क बना रखा है जहाँ पर आप चाहे तो बैठ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक होम डेकोर की शॉप देखने को मिलेगी और उसके ठीक बराबर में एक इन हाउस बेकरी भी है जहाँ से आप चाहे तो कुछ ले सकते हैं। अब हम आगे हैं इस होटल के मेन रिसेप्शन एरिया की तरफ, तो चलिए एक बार रिसेप्शन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये है इस होटल का रिसेप्शन एरिया जहाँ पर आप अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैठने का स्पेस मिल जाएगा और ये ठीक सामने जो है रिसेप्शन है जहाँ पर चल के अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। और रिसेप्शन एरिया के ठीक बराबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इनका सैलून भी मिल जाता है जो कि लुक्स सैलून के नाम से है। और होटल के गेस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% ऑफ भी है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ इस होटल के कॉरिडोर एरिया में और मेरा जो रूम है वो है 4th फ्लोर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ आपको रूम्स देखने को मिलेंगे और मुझे जो रूम असाइन हुआ है वो है रूम नंबर 404। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस होटल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने, जो कि होता है रूम, जहाँ पर आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। तो चलिए अब आपको मैं देता हूँ अपने रूम का क्विक टूर। तो हमें मिला है ये की कार्ड, इस की कार्ड को हम यहाँ पर लगाएंगे और हमारा गेट जो है वो अनलॉक हो गया है। तो रूम में एंटर करते ही आपको देखने को मिलता है ये एरिया जहाँ पर, जो कि मेन एरिया है यहाँ का। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा एक साइड टेबल जो है वो प्लेस किया हुआ है, जिसमें आपको एक लैंप मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ड्रॉर्स भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपना सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। साथ में आपको दो पानी की बॉटल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको टी कॉफ़ी मेकर भी मिल जाता है, अगर आप कुछ चाय वगैरह बनाकर पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो इस तरफ चलें तो यहाँ पर आपको लगेज प्लेस करने के लिए एक टेबल सॉर्ट ऑफ मिल जाता है, उसके साथ में एक और टेबल है जहाँ पर आप चाहें तो अपना लगेज जो है वो प्लेस कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉर मिल जाती है जहाँ पर अगेन अगर आप कुछ अपना सामान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक मिनी फ्रिज भी मिल जाता है, अगर आप कुछ भी ठंडी चीज़ इसमें रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो ट्विन बेड मिल जाते हैं, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ तो हमने ट्विन बेड ऑप्शन लिया था। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, कपल हैं, तो आप चाहें तो किंग साइज बेड भी ले सकते हैं, यहाँ पे किंग साइज बेड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन बेडिंग है। और रूम साइज की अगर बात करें तो रूम साइज भी काफ़ी अच्छा है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक 32 इंच का टीवी देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है वो डिश वगैरह वो सब लगा हुआ है, रिमोट वहाँ पर टेबल पर पड़े हैं। और इस तरफ देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा सा एक मिरर दिखता है जहाँ पर आप अगर आप तैयार होना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल रूम का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टडी टेबल मिल जाती है जहाँ पर अगर आप चाहें तो आप कुछ अपना काम वगैरह या वर्क कोई वर्क फ्रॉम होम वगैरह अगर आपका चल रहा है, आप थोड़ा काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक डस्टबिन की प्लेसमेंट है, अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर डिस्कार्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और गाइस, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक और साइड टेबल और यहाँ पर आपको कुछ ड्रॉर्स भी मिल जाती हैं, आपको कोई भी सामान रखना है आप रख सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पर इंटरकॉम भी है, आपको कोई भी चीज़ अगर आपको रिसेप्शन पे कॉल करनी है, कुछ भी करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और बेड के दोनों तरफ आपको देखने को मिलते हैं ये साइड लैंप्स जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रूम से जो बाहर का व्यू आता है वो किस तरीके का आता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा जो रूम है वो 4th फ्लोर पे है, तो यहाँ से जो बाहर का व्यू आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। दो जो ग्लास है वो इतना ज़्यादा साफ नहीं है, इस वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आपको थोड़े से माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, ओवरऑल ग्रीनरी जो है वो काफ़ी अच्छी है।
तो ऑल इन ऑल जो रूम है वो मुझे अच्छा लगा। और गाइस जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं तो ठीक साथ में आपको देखने को मिलती है एक काफी बड़ी सी कबर्ड। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो कबर्ड के अंदर आपको एक सेफ मिल जाता है, अगर आपकी कोई भी वैल्यूएबल चीज है तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको हैंगर्स मिल जाते हैं, और अगर आपको और हैंगर्स चाहिए तो आप रिसेप्शन पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। उसके साथ गाइज यहाँ पर एक चीज जो मिसिंग मुझे लग रही है वो है बाथरूम स्लीपर्स। यहाँ पर बाथरूम स्लीपर्स नहीं है, और उसके अलावा अगर आपको आयरन वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको रिसेप्शन पे कॉल करना पड़ेगा ओवरऑल। लेकिन अगर स्टोरेज की बात करें तो काफी बड़ी कबर्ड है ये, आपका सामान जो है वो इजीली इसके अंदर आ जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ इस रूम का वॉशरूम एरिया, तो चलिए एक बार चलते हैं अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ का वॉशरूम किस तरीके का है। तो गाइस वॉशरूम में एंटर होंगे तो एंटर होते ही आपको देखने को मिलता है काफी बड़ा एक मिरर, जो कि काफी बड़ा मिरर है। और उसके साथ में यहाँ पर देखेंगे तो बेसिन के साथ में आपको सारी टॉयलेटरीज भी मिल जाएंगी और टॉवल वगैरह की प्लेसमेंट भी है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक हेयर ड्रायर मिल जाएगा, और इस तरफ आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेट एरिया। ये यहाँ का वेट एरिया है, यहाँ पर टॉवल की प्लेसमेंट है और शावर वगैरह लगा हुआ है सब कुछ। ओवरऑल अगर बाथरूम की बात करें तो काफी स्पेशियस बाथरूम है और काफी नीट एंड क्लीन है। और फोर्थ फ्लोर पे जहाँ पर मेरा रूम था वहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ बनी हुई है, जहाँ पर अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो यहाँ पर भी आप अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं इस होटल के रूफटॉप एरिया पे, जहाँ पर आपको ये रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं काफी अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है ये, और ये जो रेस्टोरेंट है वो ऑपरेशनल होता है रात को, अभी दिन में इस समय में ये ऑपरेशनल नहीं था। और उसके ठीक बराबर में आपको देखने को मिलेगा एक ये बार एरिया, जहाँ पर अगर आप कुछ ड्रिंक्स वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, और काफी अच्छा एरिया बना हुआ है ये। और इसके ठीक साथ में अगर आप थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये पूल एरिया मिल जाएगा, जहाँ पर आप इनका इन्फिनिटी पूल जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। काफी अच्छा एरिया बना रखा था और काफी नीट एंड क्लीन एरिया है ये। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस होटल के थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉक्स ट्रॉट नाम से एक डाइनिंग एरिया, और इसी फ्लोर पे जो है वो ब्रेकफास्ट बुफे और डिनर बुफे सर्व किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप एंटर करेंगे यहाँ पर आपको एक काफी बड़ा स्पेस सिटिंग के लिए मिल जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस होटल का ब्रेकफास्ट बुफे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक लाइव काउंटर था, जहाँ पर अगर आप कुछ ऑमलेट ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर डोसा वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर वैरायटी की बात करें तो वैरायटी जो थी वो काफी ज्यादा थी, फूड ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल थे, जैसे कि जूसेस वगैरह, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम इंडियन फूड की बात करें तो इंडियन फूड के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, और यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे, जो कि काफी अच्छी चीज लगी मुझे। और अगर खाने के टेस्ट की बात करें तो जो खाना था वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, मुझे पर्सनली यहाँ का जो फूड था वो बहुत ज्यादा पसंद आया। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक बार एरिया भी मिल जाएगा, जहाँ पर अगर आप कुछ ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ की जो सर्विस है वो पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। और गाइस आप बात करते हैं कि अगर आपको इस होटल को बुक करवाना है तो आप किस तरीके से बुक करवा सकते हैं। तो मैंने जो ये होटल बुक करवाया था वो करवाया था मेक माई ट्रिप के थ्रू, और इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो पड़ी थी 3,200 रुपीज। ट्विन शेयरिंग का हमने बेड लिया था, और दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बुफे इसके अंदर इंक्लूडेड था। तो 3,200 रुपीज़ मैंने पे किए थे इस रूम के लिए जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। और अब बात करते हैं कि इस होटल की मुझे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो अगर अच्छी चीज़ों की बात करूँ तो जो यहाँ की सर्विस थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी प्रॉम्प्ट सर्विस थी। अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी तो आपको तुरंत वो चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही थी। और उसके अलावा जो यहाँ का खाना था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जो ब्रेकफास्ट बुफे था उसके अंदर वैरायटी भी अच्छी थी, और उसके अलावा जो टेस्ट था वो भी काफ़ी अच्छा था। और एक चीज़ और जो स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ वो ये कि जो यहाँ की चेक इन टाइमिंग्स हैं वो हैं 2:00 की, लेकिन हम यहाँ पर 12 बजे आ गए थे, तो हमारे को जो रूम प्रोवाइड किया गया था वो 12 बजे ही दे दिया था उन्होंने, विदाउट हमने मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने 12 बजे हमारे को रूम का एक्सेस दे दिया था। That is a very good thing. Early check-in easily मिल गया था हमारे को। और अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें ऐसी है that needs a little improvement. तो basically as such कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है that needs improvement. But अगर हम देखें जो हमारा रूम था उसकी जो ग्लास विंडो थी वो बहुत ज़्यादा साफ नहीं थी, तो जो बाहर का व्यू आ रहा था वो इतना अच्छा नहीं आ रहा था उसकी वजह से। तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स लिटिल इम्प्रूवमेंट।
तो ये बहुत बिग डील नहीं है, मतलब इट कैन बी मैनेज्ड एज वेल, लेकिन फिर भी एक एक, एक अगर बात की जाए थोड़ी सी किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो ये मेरे को एक इम्प्रूवमेंट एरिया लगा। बाकी ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। और गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी इस तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।